कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे पर हैं। करीब 8 महीने बाद पीएम मोदी वाराणसी जा रहे हैं। इस दौरान पीएम 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात भी देंगे, जिसमें 744 करोड़ रुपए की 68 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और 839 करोड़ रुपए की 160 से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आईआईटी बीएचयू के ग्राउंड में पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां 5,000 से ज्यादा लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत बिठाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक करीब 5 घंटे तक मोदी वाराणसी में ही रहेंगे। आठ महीने के बाद वाराणसी के सांसद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां आ रहे हैं। मोदी आज यहां मशहूर रुद्राक्ष भवन का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए काशी भी सज धज कर तैयार हो चुकी है। जिस गंगा को वो अपनी माँ समान मानते हैं, उसी गंगा के अस्थि घाट पर प्रधानमंत्री के नाम से विशेष आरती हुई, जहां उनकी तस्वीर को घाट की सीढ़ियों पर सम्मान के साथ रखा गया। आज पीएम मोदी करीब 10:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 11 बजे के करीब मोदी हेलीकॉप्टर से बीएचयू आईआईटी खेल मैदान में जनसभा स्थल में पहुंचेंगे। यहीं पर मोदी 280 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मोदी के इस दौरे का आखिरी कार्यक्रम बीएचयू के अस्पताल में बने मातृ शिशु केंद्र में है, जहां पर वो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी काशी को जो सबसे बेशकीमती सौगात भेंट करने वाले हैं, वो है ये शानदार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो सज धज कर तैयार है। इसको जापान ने भारत के साथ मिलकर बनाया है। ये कन्वेंशन सेंटर 13,096 वर्ग मीटर में बना है। इसमें 1200 लोगों के बैठने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉल है। कन्वेंशन सेंटर के बाहरी हिस्से में एल्यूमिनियम से बने 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे में रत्ती भर की कोई बाधा ना आए, इसके लिए खुद सीएम योगी ने मंगलवार को ही वाराणसी जाकर तैयारियों का जायजा लिया। ये भी माना जा रहा है कि पीएम मोदी का काशी का ये दौरा यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सांसद बॉर्डर के मुद्दे पर चर्चा के दौरान रक्षा मामलों की संसदीय समिति की मीटिंग को छोड़कर बाहर आ गए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने एलएसी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन समिति के अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी भारतीय सुरक्षा बलों की ड्रेस पर चर्चा के दौरान संसदीय समिति की बैठक से राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस सांसदों ने वॉकआउट कर दिया था। मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस की स्ट्रेटेजिक कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने सभी नेताओं को फ्लोर मैनेजमेंट पर जोर देने की बात कही। बाकी विपक्षी दलों से बेहतर समन्वय बनाने को लेकर सोनिया गांधी ने नेताओं को खास ध्यान देने को कहा है। सोनिया गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का एक तरह का स्टैंड होना चाहिए। पिछली घटनाओं को गिनाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इससे पहले कुछ मुद्दों पर राज्यसभा और लोकसभा में पार्टी के पक्ष में विरोधाभास रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर पार्टी एकजुट नजर आनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। रेल मंत्रालय से हटाने के बाद अब पीयूष गोयल को बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। कुछ ही समय में संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले बीजेपी ने पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया है। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद ये पद खाली था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच चुनाव के पहले से जारी तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब ममता बनर्जी ने भी केंद्र को सीबीआई का जवाब सीआईडी से दिया है। दरअसल राज्य पुलिस की सीआईडी ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के घर दबिश दी। बंगाल सीआईडी की स्पेशल टीम शुभेंदु के घर पर उनके पूर्व सुरक्षा गार्ड शुभव्रत चक्रवर्ती के संदिग्ध मौत के मामले में जांच करने पहुंची, जहां उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। शरद पवार ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने की खबरों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से उनके इस बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। शरद पवार ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अगले साल राष्ट्रपति पद के लिए वो दावेदारी नहीं करेंगे। इससे पहले शिवसेना के संजय राउत ने कहा था कि शरद पवार मोदी के खिलाफ चेहरा बन सकते हैं। आपको बता दें कि हाल के दिनों में प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी। इसके अलावा वो 2 बार शरद पवार से भी मिल चुके थे। इसी से अटकलें लगी थीं। बीजेपी के साथ कांग्रेस भी यूपी पर फोकस कर रही है। इस बार कांग्रेस में यूपी की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में है।
प्रियंका कल लखनऊ पहुंच रही हैं। बीजेपी ने उनके दौरे का पिकनिक कहकर मजाक उड़ाया है, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि 2022 का लक्ष्य हासिल करेंगे। और निश्चित रूप से उनके आने के बाद एक और उत्साह कार्यकर्ताओं में होगा और मैं समझता हूं कि 2022 के चुनाव के लक्ष्य को हम बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, 3 दशक तो हो गए हैं, अब मुझे लगता है कुछ होने वाला नहीं है कांग्रेस का, क्योंकि देश में भी नहीं है कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में तो 3 दशक से बिल्कुल गायब हो चुकी है। मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इसका फायदा 1 जुलाई 2021 से ही मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। इसके लिए सरकार लगभग 34,401 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे पहले कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाने पर जून 2021 तक रोक लगाई गई थी। हुए दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दिल्ली पुलिस के काम करने के तौर तरीके से नाराज कोर्ट ने भजनपुरा इलाके के एसएचओ और सीनियर अधिकारियों पर 25,000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह जुर्माना दिल्ली हिंसा 2020 के दौरान पुलिस को ठीक से काम न करने का दोषी पाते हुए लगाया। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस ही आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है।